Now our next derivation is potential due to point charge. This is important derivation. ये आता है एग्जाम में, पूछा जाता है. मतलब किसी भी एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होता है ये फाइंड आउट करना है. अभी डायग्राम दिख ही रहा है आपको कि ओ पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, उसके कारण हमको आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस है, इस आर डिस्टेंस पर ए पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये बात हमने यहाँ वर्ड्स में लिख दी जो डायग्राम देख कर, कि क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू विच पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइन एट पॉइंट ए एट डिस्टेंस आर. ओके, नाउ फॉर दिस अब हम बोलेंगे लेट प्लस क्यू जीरो चार्ज इज एट डिस्टेंस एक्स एट पॉइंट पी फ्रॉम ओ. ये प्लस क्यू चार्ज जो है इससे हमने पी पॉइंट पर प्लस क्यू जीरो चार्ज रख दिया, प्लस क्यू जीरो चार्ज रख दिया यहाँ पी पॉइंट पर. पी पॉइंट कितना दूर है, तो ओ से इसकी डिस्टेंस है एक्स, एक्स डिस्टेंस पे, ये बात हमने लिख दी. अब इस क्यू चार्ज, क्यू जीरो चार्ज पे क्यू का कितना फोर्स लगेगा, कूलम लॉ से दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस एक्स है, चार्ज की वैल्यू क्यू, क्यू जीरो है, ये बात हमने यहाँ लिख दी कि देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन क्यू जीरो ड्यू टू क्यू एफ इज इक्वल्स टू कूलम लॉ के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर मतलब अदर देन एयर वैक्यूम में अगर दोनों चार्ज के बीच में मीडिया, तो एप्सिलॉन आर लिख दिया. क्यू वन क्यू टू के प्लेस पे लिख दिया क्यू क्यू जीरो, दो चार्ज उनके बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर. ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर. अब मान लीजिए इस क्यू जीरो चार्ज को हम पी से क्यू तक लेकर आते हैं, कितने डिस्टेंस डी एक्स डिस्टेंस, जो स्मॉल डिस्टेंस है पी से क्यू. अब फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम पी, पी से राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्यू जीरो पे इस क्यू का, और हम उसके फोर्स के अपोजिट उसको पी से क्यू लेकर आ रहे हैं, तो हमको वर्क करना पड़ेगा. यही हमने यहाँ लिखा है कि लेट डी डब्ल्यू इज द वर्क डन इन मूविंग क्यू जीरो चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू बाय स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स. देन वर्क डन डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ डॉट डी एक्स. एफ ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा, तो एफ डी एक्स कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा. क्यों, क्योंकि फोर्स राइट में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में, तो दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री. तो यहाँ हमने पुट कर दिया वैल्यू डी डब्ल्यू में, एफ डी एक्स कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन होती है, तो माइनस एफ इंटू डी एक्स. जस्ट एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू रख दी, डी डब्ल्यू आ गया. अब हमको डी एक्स डिस्टेंस में जो वर्क डन है डी डब्ल्यू फाइंड आउट कर लिया. अब हमको चार्ज को इन्फिनिटी से अगर ए पर लेकर आना, जनरली हमको पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक लेकर आना. तो ये चार्ज क्यू जीरो अगर यहाँ इन्फिनिटी पे है और यहाँ से हमको इसको ए पर लेकर आना है, यानी पहली डिस्टेंस हो गई इन्फिनिटी, वहाँ से हमको ए पे यानी कि आर डिस्टेंस पर लेकर आना है, तो कितना वर्क किया वो कैलकुलेट कर, कैसे ये लिख देंगे यहाँ पर. डी डब्ल्यू निकालने के बाद लिखेंगे फॉर टोटल वर्क डन इन मूविंग क्यू जीरो चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए एट डिस्टेंस आर इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद इन लिमिट. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए. अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट आएगी, क्योंकि हमको इन्फिनिटी से चार्ज को ए पर लाना है ना आर डिस्टेंस पर लाना है, तो लिमिट हो जाएगी भैया इन्फिनिटी टू आर. ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डब्ल्यू अपर लिमिट लोअर लिमिट. जब इन्फिनिटी पे चार्ज था तो जीरो वर्क डन, आर डिस्टेंस पर लाए तो डब्ल्यू वर्क. आर एच एस में ये एक्स के अलावा सब बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया विथ माइनस साइन. ठीक है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा. ठीक है, लेफ्ट साइड में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू बना के ये कर दिया. अब एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हमने इलेवन में पढ़ा था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन, इन्हें पावर को एक से बढ़ाया, उसी से डिवाइड किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी. अब यहाँ एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन है, तो एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगी, नीचे भी माइनस वन. ये जो माइनस वन है ये बाहर ले लेंगे, और एक्स की पावर माइनस वन है से इसलिए एक्स को नीचे ले आएंगे, तो एक्स की पावर वन हो जाएगा, तो ये वन अपान एक्स हो गया, और ये माइनस वन बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गए. ठीक है,
अब ये चाहे तो एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये काफ़ी है। ठीक, कि -1 को यहाँ बाहर लिख लिया, x को नीचे ले आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r -1/∞। अब 1/∞ 0 आ जाएगा, तो 1/4π0 q0/r, ये हो गया हमारा वर्क डन, कि इन्फिनिटी से q0 को लेकर आए तो इतना वर्क किया। अब हम बोलेंगे कि फिर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या होता है, W/चार्ज मूव, तो यहाँ पे Q0 को मूव कर रहे हैं हम, और वर्क कितना किया, ये W किया, तो हम बोलेंगे देयर फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू W/Q0। अब ये W के नीचे Q0 लिखेंगे, तो Q0 कैंसल, एंड दिस इज आवर फार्मूला, ये वोल्ट लिख देते हैं पूरा ताकि समझ में आए। ठीक है, तो ये V का फार्मूला हो गया 1/4π0 एप्सिलॉन आर Q/r, मतलब Q चार्ज से r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो Q/r और कांस्टेंट। अब 1/4π0 तो पता है 9 × 10 की फॉर्म आई, और अगर एयर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन आर को 1 लिख देंगे, दैट्स ऑल। एयर वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर 1 हो गया, और ये यहाँ से आ गया V इज इक्वल्स टू 1/4π0 Q/r, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, ये फाइनल फार्मूला हमको लाना है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखेंगे भैया, कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट विल बी नेगेटिव, मतलब प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस होता है, माइनस के कारण माइनस होता है। दैट मीन्स अगर इसमें अगर क्यू चार्ज पॉजिटिव उसके कारण पोटेंशियल निकालना, तो इस फार्मूले में क्यू को प्लस लिखेंगे, अगर माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है तो क्यू को विथ साइन यहाँ पे माइनस क्यू लिखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी सुपर पोजिशन थ्योरम आती नहीं है, लेकिन इसका यूज़ करते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर पोटेंशियल। मान लीजिए खूब सारे चार्जेस हैं, ये Q1 Q2 Q3 Qn, ये सब की डिस्टेंस है O पॉइंट से R1 R2 R3 Rn, इन सब के कारण नेट पोटेंशियल O पॉइंट पर कितना होगा, तो यही लिखा है यहाँ पे कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q3 Qn एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ईच चार्ज सेपरेटली, मतलब O पॉइंट पर अलग अलग चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करें और उन सबको ऐड कर दें तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा O पे। ठीक है, ये इसका यूज़ करेंगे, ये आता वाता नहीं है। ओके, इसका यूज़ हम अगले डेरिवेशन